हम लोग वापस जाते हुए नीचे की साइड में, और ये आपको झील दिखाया था, इसमें सजा होने पर मगरमच्छ के द्वारा जो गुनाहगार होता था उसको इस झील में कुएं में फेंक दिया जाता था। और कुछ ये इधर से भी दिखाया था आपको, और ये ही वो जेल है। रामदास जी को यहाँ पे जेल किया गया था, उन्हीं के उपलक्ष में ऊपर एक मंदिर भी बनाया गया है इसके ऊपर, इस ये इसके पीछे और गुम्बद के पीछे, और यही वो उसमें था। इसी में उनको रामदास जी को राम मंदिर यहाँ पे निर्माण कराने के उपलक्ष में इधर आसपास में ही उनको जेल किया गया था और उनको मार दिया गया था। चतुर्कोणीय निर्मित एक सुंदर भवन है, उत्तरी दिशा में इसका प्रवेश द्वार है। वास्तव में इसका निर्माण एक समान घर के लिए किया गया था। इसे अब्दुल हसन कुतुब शाह सन 1672 से 1787 के बीच में शासनकाल में जेल खाना बनाया गया। ये जेल खाना हमारे रामदास जी को इसी में रखा गया था। और दोस्तों अभी हम जेल के अंदर वाले हिस्से में हैं, और आप देख सकते हैं इसमें एक सीढ़ी सा बना हुआ है, और रामदास जी को ऐसा कहा जाता है कि ऊपरी हिस्से से खाना गिराया जाता था। उन्हें खाने के लिए भोजन पानी की जो व्यवस्था थी ऊपर से छेद से गिराया जाता था, और रामदास जी इसी जेल में कैद थे उस ज़माने में। और उनको जेल इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने रामाचरण में राम मंदिर का एक निर्माण कराया था, उसके उपलक्ष्य में उनको यहाँ पर जेल की सजा दी गई थी। आप देख सकते हैं पुराने ज़माने में इस प्रकार के जेलों में कैद किया जाता था, और देखिए ऐसे जेल हुआ करते थे पुराने ज़माने के। निकल रहे हैं, और देखिए वहीं पे हम गए थे सबसे ऊंचे पे, और अभी हम लोग वहाँ से रिटर्न आ रहे हैं और बाहर की साइड जा रहे हैं। और हमारे देश के तेजस्वी नौजवानों के द्वारा जो कलाकारियाँ हमारे ये धरोहरों पे की जाती हैं उसका तो कुछ मतलब पूछिए ही मत। ये साना आई लव यू, ये सब बताइए, ये सब क्या है? ये सब ये कितने तेजस्वी लोग हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं ये लोग? यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारे देश तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। जा रहा है बताइए, देश के धरोहरों पे अपने मसुआ का नाम लिख देना ये कोई अच्छा काम नहीं है। देखिए ये तेजस्वी लोग, ये सब तेजस्वी लोग हैं सब, ये कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और क्या क्या लिखे। देखिए इसमें से भी तेजस्वी लोग जा रहे हैं। क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्नान घर ही था उस ज़माने में, चूँकि इसमें गेट वेट भी दिया गया है, और इसमें स्नान घर टाइप में सीढ़ी बना हुआ है, और अभी भी कुछ पानी इसमें इकट्ठे हैं, बारिश वारिश के पानी में भी हो सकते हैं। और ये स्नान घर टाइप का लग रहा है, स्विमिंग पूल जैसे स्विमिंग पूल अपना होता है, और इसमें कहीं राजा ओजा या उनके जितने मंत्री संतरी उनके लिए स्नान घर या कुआं टाइप में एक ये भी है। और अब हम जा रहे हैं सबसे अपोजिट उतरते हुए, कितना मस्त नज़ारा है। देखिए इधर से आने का रास्ता कितना मस्त था, कितना मस्त है। और स्विमिंग पूल उधर भी दिख रहा है हमको, है ना, उसमें लग रहा है कि रानी नहाती होगी। अभी देखते हैं उस स्विमिंग पूल को हम लोग, क्योंकि इतना नॉलेज हमारे गाइडर के पास भी नहीं है, गाइडर भी अभी नया है। तो हम अनुमान लगा ले रहे हैं कि रानी यहीं से स्लाइड करके जाती होंगी नहाने के लिए। ये तेजस्वी लोगों का द्वारा बनाया हुआ कुछ चित्रण यहाँ पे भी बना हुआ है। ये भी मुझे एक झील टाइप में ही दिख रहा है, मैं भी यहाँ पे राजा हो जा स्नान करने के लिए आते होंगे। और ये तो अभी हाल फिलहाल में ही बना होगा, ये चीज़ें तो अभी हाल फिलहाल में ही बनी है। हाँ नहीं उधर नहीं जा रहा हूँ, इधर से तो मे भी ये स्नान घर ही हो, क्योंकि उधर से कोने पे गेट भी दिया हुआ है, इसके बारे में मालूम भी नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि ये स्नान घर ही हो। मे भी ये किलाएं
फाइनली अब हम लोग भूतल के समीप आ गए हैं और बहुत ऊंचाई पे था ये, बहुत सारा हम लोगों ने मस्ती किया, फन किया। और ये अभी कुछ नए पेड़ पौधे, जैसे आंवला का पेड़ आप देख सकते हैं, ये सब लगाया हुआ है अब इसको, मतलब अभी के ज़माने में लगाया हुआ पेड़ पौधे हैं ये सब, नीम वीम का भी। और अब हम लोगों का मोस्ट ऑफ यात्रा समाप्त हो चुका है, अब नॉर्मल वही पार्क वार्क मिलेगा आपको नीचे की साइड में। और ये सब नई नई बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये भी नया बना हुआ है, वॉशरूम वॉशरूम टाइप में, मतलब मॉडल दिया गया है इनको भी, लेकिन है ये सब नई। और मोस्ट ऑफ अब तो हम लोग आ ही गए हैं। एक बार किला को आप लोग और देखिए, यही किला है, ठीक है। और आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को इस किले को दिखाने की जिम्मेवारी ली थी और उसको पूरा किया मैंने। और ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए, और आगे आप लोगों को मैं और ऐसे ऐसे कई ऐतिहासिक चीज़ों से रूबरू कराऊंगा और ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाऊंगा अपने इस चैनल पे, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग कस्बों में जा जा के। लेकिन अगर उसके लिए मुझे आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, और सहयोग में ये रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने जानने वालों को शेयर करें और उनको भी बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हम लोग अपने इस प्रयत्न से घर बैठे देश के धरोहरों को दिखाने का काम करेंगे और दिखाएंगे, निरंतर दिखाते रहेंगे। काफ़ी खूबसूरत घर का नज़ारा है। वैसे वास्तविक बताऊँ तो मैं आपको, इस किले पे भी हमने आपको दिखाया था, इधर से तो हम लोग गए थे, अभी इधर चलते हैं। इधर से तो हमने वीडियो बना रखा है और अपने व्यूअर्स दर्शकों को दिखा रखा है। दर्शकों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। काफ़ी बड़ा टूरिस्ट प्लेस है ये, और यहीं पे वेट लिफ्टिंग वाला था 240 किलो का, जैसे गुर्दे लाल हो जाएंगे उठाने में। ये दो भाई फिर से उठा रहे हैं, दो लोग मिलके उठा नहीं पा रहे हैं, बताइए। टू फोर्टी केजीज, वेरी गुड। टू फोर्टी केजीज वजन उठाया नहीं जा रहा है, वेरी गुड। और पहले इसमें वो एक हाथ से उठाया जाता था, हाथ से पकड़ के तब यहाँ पे इनको जॉब मिलती थी इस किले में, किले के देख रेख में, और इसमें उनकी काबिलियत के हिसाब से रखा जाता था यहाँ पे। इसका वजन 240 किलो से 300 किलो के बीच में है, और इसको तीन लोग मिल गए, दो लोग मिलकर उठा पाते हैं, अकेला कोई उठा नहीं पा रहा है। पहले के जमाने में इसको सिंगल एक बंदा उठाता था और फिर उसको उठा लेता था, तो उसको एक हाथ से या दोनों हाथ से, तो फिर उसको इस किले के को संरक्षण करने के लिए रखा जाता था, इस किले में एज ए सिपाही, एज ए जो स्टाफ काम लोग करते थे उनको रखा जाता था। तो इसका वजन है 240 किलो से 300 किलो के बीच में, और ऐसा बताया जा रहा है। और एक ये तोप का गोला भी है जो किले के मेन दीवार पे रखा है, जिसको संरक्षण करने के लिए रखा गया था। और
प्रयास करते हुए कुछ हमारे भाई लोग देश के जवान लोग जो आज के ज़माने के हैं लेकिन फिर भी जवान हैं उठा ले रहे हैं। ये उठाना कोई आम बात नहीं है, हर किसी के बस की भी बात नहीं है। अकेला बंदा आज के डेट में से कोई नहीं खसा सकता है, काफ़ी बहुत बड़े बड़े बाहुबली दिग्गज आ जाएंगे तो भी मैं भी कोई बड़ा लिफ्टर हो तो वो उठा सकता है, वरना इतना उठाना आसान नहीं है इसको। ఇట్లా లేపి కింద పెడితే ఉద్యోగం ఇస్తుండే దీంట్లో, అంటే సర్వక్షణకి బట్టులకి पहले के लोग इसको एक हाथ से उठा देते और संरक्षण कर तब उसकी लग संरक्षण करते थे, उनको रखा जाता था काम पे। काफी वेट है इसमें। अकेले इसको उठा नहीं सकता कोई, इतना भारी है, इम्पॉसिबल है, उतना पटेगा ले दो। फाइनली गाइस हम लोग बाहर आ गए हैं किले से और अब हम एग्जिट कर रहे हैं इस किले में के बाहर जा रहे हैं। अब बोटिंग करना है तो लुमने चलो और देखते हैं बाहर साइड निकलते हैं। आज का टूर बहुत हुआ और अब हम देखते हैं कुछ बोटिंग वोटिंग करने का प्रयास करते हैं, वहाँ से वीडियो बना के डालेंगे आपको यूट्यूब पे। और ये बाहर आ गए हैं हम लोग और ये था गोलकोंडा किला, इसमें हम अभी गए थे और जिसकी वीडियो हमने बनाई है।